क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है, ए पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द आर्क ऑफ ए स्मूथ साइक्लोड साइक्लोइड हुज एक्सिस इज वर्टिकल एंड द वर्टेक्स लोवेस्ट। ओके, सबसे पहले साइक्लोइड की बात करता हूँ। कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास कोई साइक्लोइड हो जिसकी एक्सिस वर्टिकल हो और उसका लोवेस्ट पॉइंट जो है वर्टेक्स वो नीचे की तरफ हो। मान लिया जाए ये मेरे पास वाई एक्सिस है और मान लिया जाए ये मेरा एक्स एक्सिस है और सपोज दैट ये मेरा साइक्लोइड है। ओके, अगर ये साइक्लोइड है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट ए डैश होगा, ये पॉइंट कस्प कहलाता है, ये वाला पॉइंट भी कस्प कहलाता है, ये वर्टेक्स होता है ओ, ओ को बोलता हूँ वर्टेक्स। ओके, आगे कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर ये है, प्रूव दैट द टाइम ऑक्यूपाइड इन फॉलिंग डाउन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू द, यहाँ से यहाँ तक, सपोज दैट यहाँ से जो है पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ से यहाँ तक, सपोज दैट इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट पी है। ओके, कहना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट दोनों कवर करने का जो टाइम है ना वो इक्वल है। क्लियर है ना, एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे पास एक पार्टिकल है स्लाइड डाउन आर्क के ऊपर होता है साइक्लोइड से और जिसकी जो है ना क्या कहें एक्सिस वर्टिकल है, एक्सिस ये मेरे पास वर्टिकल हुई और उसका वर्टेक्स जो है लोवेस्ट पॉइंट है। कहना चाह रहा है कि यहाँ से मान लिया ये पी पॉइंट उसका मिड पॉइंट है, ए से पी तक आने में जो टाइम है और पी से ओ तक आने में जो टाइम है वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, वही बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। मैं कहने जा रहा हूँ कि भाई अगर मान लिया पॉइंट पी की बात है तो जाहिर सी बात है पॉइंट पी के ऊपर जो है मैंने सबसे पहले इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा डाली, ये मेरी इसके ऊपर एक टेंजेंट हुई, टेंजेंट होने के बाद ये वाला एंगल मेरा होता है साई, आपको भी पता है। ओके, और यहाँ से इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आर इस तरफ ऐसे निकलता है, बेसिक फिगर की बात कर रहा हूँ, ये हुआ मेरा रिएक्शन फोर्स। ओ से पी तक ये वाली दूरी होती है मेरी एस, आप इस चीज़ को बहुत बखूबी जानते हो। क्लियर है ना। ओके, और भाई ये होने के बाद जो है आगे की तरफ चलता हूँ, इसका जो वेट होगा वो यहाँ से नीचे की तरफ काम करेगा एम जी, आपको पता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है कि ए से पी तक जाने में और फिर पी से ओ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो दोनों तरफ से जो है ना वो बराबर होना चाहिए। ओके, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड, ध्यान से देखना, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड क्या होती है भाई, फार्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एस स्क्वायर अपॉन फोर ए और प्लस के सी, बेसिक फार्मूला है, कई बार बता चुका हूँ। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ भाई, तो यहाँ से मेरे पास जो निकला बेटा एक फार्मूला मेरे पास और भी होता है जिसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ डायरेक्टली, और एंड मेरे पास एक फार्मूला और भी होता है, सीधा लिख रहा हूँ, वी नो दैट, क्या होता है फार्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी अपॉन फोर ए इंटू 16 ए स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर। आपको इस फार्मूले के बारे में भी पता है, मैं इसका प्रूफ आपको साइक्लोइड मोशन के अंदर दे चुका था, इसका यूज़ करूँगा मैं। क्लियर है ना, चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं रिजल्ट कैसे निकलता है। तो भाई यहाँ से मेरे पास जो निकला v इक्वल टू कितना होता है, v बराबर होता है डी एस ओवर डी टी। ओके, इस फार्मूले का भी मैं यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ। तो यहाँ से मेरे पास निकला v बराबर जो हुआ बेटा अंडर द रूट जी अपॉन फोर ए, तो ये हुआ गुणा अंडर द रूट, ये हुआ 16 ए स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर। ओके, और आपको भी पता है ये साइन मैं यहाँ नेगेटिव लेकर के चलता हूँ क्योंकि पार्टिकल जो है ना यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टेक्स की तरफ पार्टिकल जा रहा है। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ, वी बराबर मेरे पास होता है डी एस ओवर डी टी, मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट निकाला,
ये हुआ मेरे पास डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट जी अपॉन फोर ए, तो ये हुआ गुणा अंडर द रूट, ये हुआ 16 ए स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। डी टी उधर लेकर के गया, डी एस इधर लाया, मेरे पास हुआ डी एस अपॉन अंडर द रूट जी अपॉन फोर ए, तो ये हुआ गुणा अंडर द रूट 16 ए स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर, ये हुआ और ये हुआ मेरे पास माइनस के साथ में, और इधर हुआ मेरा डी टी। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो पहले लास्ट वाली इक्वेशन देख लो, इसको मैंने रिसेट किया, ये ऊपर जाने के बाद एकदम उल्टा हो जाएगा, माइनस के साथ हुआ और अंडर द रूट हुआ 4a अपॉन g, तो ये हुआ गुणा ये हुआ डी एस अपॉन अंडर द रूट 16 ए स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे की तरफ चलता हूँ। क्लियर निकल चुका ना, देखता हूँ मेरे पास क्या होगा। चूँकि इम्पोर्टेंट पॉइंट, चूँकि हम जानते हैं पहले वाले लेक्चर के अंदर, बेसिक लेक्चर की बात बता रहा हूँ, ये टोटल जो है ना, ये वाली ये टोटल 2a हुआ करती है यहाँ से यहाँ तक, उसी की बात करता हूँ। हम जानते हैं, वी नो दैट साइक्लोइड की हाइट कितनी होती है भाई, 2a होती है, एंड वी नो दैट एस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 4ay। क्लियर, और ये जो होता है, ये जो हाइट है ना, ये होती है डायरेक्ट, सो दैट आगे फार्मूला है y इज इक्वल टू जो होती है वो 2a होती है। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ। ये होती है मेरे पास y इज इक्वल टू 2a हाइट, ये बराबर होती है हाइट y के, इधर भी लिख दिया है मैंने, ये वाली y की वैल्यू आप एस स्क्वायर के अंदर डालो, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ मेरे पास 4a गुणा 2a। ओके, क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास निकला कितना भाई 8a, और यहाँ से इसकी वैल्यू निकली बेटा, एस इज इक्वल टू निकली, अगर मैं इसके ऊपर से रूट हटा दूँ, 2 अंडर द रूट 2 इंटू ए, यानी एस निकला 2a अंडर द रूट। ओके, आगे की बात करता हूँ। कहना चाह रहा है कि ए से पी तक जाने में, माना पहला, देखो आप फर्स्ट आपकी बात क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, प्रूव दैट द टाइम ऑक्यूपाइड फॉलिंग डाउन द फर्स्ट हाफ, इसकी बात करता हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक ही मैं हाफ मानते हुए चला था, मान लिया पहला हाफ जो है, या पहली हाफ दूरी, पहला हाफ चलने में यानी पहला हाफ मतलब ए पी तक आने में लगा टाइम कितना हो मेरे पास भाई, लगा टाइम अगर मेरा टी वन हो तो। ओके, अब देखता हूँ भाई, तो जाहिर सी बात है मेरा जो टाइम होगा, ये वाली जो इक्वेशन है इसकी बात कर रहा हूँ, मेरा जो टाइम होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, पार्टिकल यहाँ से चला और पार्टिकल यहाँ तक आया टी वन टाइम तक, और ये हुआ मेरा डी टी। क्लियर, आगे की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 4a अपॉन g, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल चला यहाँ से, यहाँ s इज इक्वल टू पॉइंट a के ऊपर मैं बता चुका था आपको, बहुत बार बता चुका, पॉइंट a पर s इज इक्वल टू कितना है 4a है, और पॉइंट p पर ये सिचुएशन जो पैदा हो रही है, किस पॉइंट के ऊपर पैदा हो रही है, पॉइंट p पर हो रही है, पॉइंट p पर, ये वाली टोटल निकाल चुका हूँ मैं। क्लियर है ना, s। ओके, मेरा जो पार्टिकल चला a से चला, अर्थात मेरा पार्टिकल चला 4a से, और पार्टिकल कहाँ तक आया 2a अंडर द रूट 2 तक आया, हाफ यहाँ से यहाँ तक, s की वैल्यू सीधी कैलकुलेट हो चुकी आपके सामने है। क्लियर है ना, और ये हुआ मेरे पास ds अपॉन अंडर द रूट 16a स्क्वायर माइनस के
16 ए स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर, आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ से रिजल्ट उठाया, इस इक्वेशन से रिजल्ट उठा लिया, 0 to t टाइम लगा, dt 4/a और ये कर दिया मैंने, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, ठीक है ना। इस माइनस की वजह से इसको उल्टा किया मैंने, इसको इंटीग्रेट किया है तो निकला मेरा t1 इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये निकला मेरे पास 4a/g, तो ये है इंटीग्रेशन, माइनस का निशान हटा दिया, इसको उल्टा कर दिया, 2a अंडर द रूट 2 से लेके 4a तक, और ये हुआ बेटा ds अपॉन अंडर द रूट 16a² - k s², क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, मैंने डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट किया, इधर तो आ चुका मेरा t1 इज इक्वल टू, ये निकला मेरे पास अंडर द रूट 4a/g, तो ये हुआ, आपको भी पता है इसका डायरेक्ट फार्मूला है साइन इनवर्स के टर्म्स में, ये हुआ मेरे पास साइन इनवर्स s/4a, डायरेक्ट फार्मूला, और लिमिट हुई मेरे पास 4a से 2a अंडर द रूट 2 तक, क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ, तो भाई यहाँ से t1 की जो वैल्यू निकली, t1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 4a/g, तो ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 4a/4a माइनस साइन इनवर्स, एस की जगह मैंने डाल ली 2a अंडर द रूट 2/4a, क्लियर है ना, और ये मैंने बंद कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ओके। t1 इज इक्वल टू निकला अंडर द रूट 4a/g, तो ये आ चुका। आगे की बात करता हूँ, ये निकला यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आपके सामने है, माइनस ये निकला यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट 2/2, ओके। आगे देखता हूँ, t1 इज इक्वल टू जो निकला अंडर द रूट 4a/g, तो ये निकल गया साइन इनवर्स 1 0 1 1 0 π/2 आ चुका ये, माइनस सीधा निकला साइन इनवर्स 1/ अंडर रूट 2 हो रहा है ना, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, क्लियर है ना, ओके। आगे चलता हूँ, t1 इज इक्वल टू निकला अंडर द रूट 4a/g, ये हुआ और ये हुआ बेटा π/2 माइनस ये कितना हो चुका π/4, आपको भी पता है इसकी वैल्यू π/4 होती है, ओके। तो बेटा यहाँ से t1 की जो वैल्यू निकली, t1 इज इक्वल टू हुआ अंडर द रूट 4a/g, तो ये आ चुका π/2 माइनस π/4 कितना हुआ π/4, ओके। सपोज दैट ये इक्वेशन ए आ चुकी है, आगे की बात करता हूँ। अब कहना चाह रहा है कि जो पार्टिकल है ना, मैं पुरानी उसी इक्वेशन से चलूँगा जो मेरे पास थी, ये वाली इक्वेशन मैं यहीं से उठाऊंगा, यहाँ से उठा लूँगा रिजल्ट, क्योंकि सेम रहेगा बिल्कुल। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पार्टिकल पी से ए तक जाने में, सपोज दैट पार्टिकल को पॉइंट पी से ओ तक जाने में कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा, तो डायरेक्ट आप यहीं से रिजल्ट उठा लो बेटा, तो ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है ना, डायरेक्ट उठ जाएगा इसी से रिजल्ट, तो ये मेरे पास होगा बेटा इंटीग्रेशन 0 to t2 हो जाएगा, और ये होगा dt इज इक्वल टू होगा मेरे पास माइनस अंडर द रूट 4a/g, ये हो जाएगा, और पार्टिकल कहाँ से चला भाई, पी से चला, पी का मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो आप, मैंने इससे अगले वाले पी से पहले वाले उसके अंदर जो है एस की वैल्यू निकाल रखी थी, ये देखो आपके सामने रखी हुई, पार्टिकल पॉइंट 2a/√2a√2 से स्टार्ट हुआ, साफ साफ मेंशन भी है, ओके, उसी की बात कर रहा हूँ। अर्थात मेरा जो पार्टिकल स्टार्ट हुआ बेटा, पार्टिकल स्टार्ट हुआ मेरा कहाँ से, 2a√2 से पार्टिकल स्टार्ट हुआ मेरा यहाँ से, और पार्टिकल को जाना है कहाँ तक, जीरो तक जाना है,
क्लियर। देखो आप, पार्टिकल स्टार्ट हुआ पी से, पी की वैल्यू है 2a√2 और पार्टिकल को जाना है ओ तक, क्लियर। और इसके अंदर मैंने डी एस की वैल्यू सीधी डाल दी, डी एस कितना है मेरे पास, डी एस अपॉन अंडर द रूट 16a² - k s², क्लियर। इसको उल्टा कर दिया मैंने, माइनस का निशान खत्म हो जाएगा, ये तो हुआ मेरे पास t2 इज इक्वल टू, उल्टा करते ही अंडर द रूट 4a/g तो हुआ ये इंटीग्रेशन, माइनस से उल्टा, ज़ीरो से 2a√2 डी एस अपॉन अंडर द रूट 16a² - s². ओके, देखता हूँ t2 कितना होगा भाई, t2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 4a/g और ये निकल गया बेटा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना एस अपॉन 4a निकलेगा ना, और लिमिट कितनी है 0 से 2a√2 तक, तो t2 जो हुआ बेटा मेरे पास कितना हुआ अंडर द रूट 4a/g, तो ये हुआ अपर लिमिट की बात करो साइन इनवर्स एस की वैल्यू 2a√2 अपॉन 4a माइनस साइन इनवर्स 0, क्लियर है ना। t2 कितना निकल गया भाई, t2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 4a/g, तो ये आ चुका साइन इनवर्स, a से a कैंसिल, ये इससे कैंसिल, अंडर रूट 2/2 हो चुका माइनस के, ये तो 0, क्लियर है ना। आगे की बात करता हूँ, तो भाई पहले तो t1 लिख लो, उसके बाद t2 की बात करूँगा। t1 जो मेरे पास निकला हुआ है बेटा, t1 आ रहा है अंडर द रूट 4a/g और ये है π/4, यही है ना इक्वेशन नंबर ए। अब t2 की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को t1 और t2 बराबर दिखाने हैं। t2 देखता हूँ कितना है, यहाँ से मेरे पास जो t2 निकला बेटा, ये देखो आप, t2 इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ अंडर द रूट 4a/g, तो ये हुआ, और ये देखो जब मैं इसको हल करूँगा ये होगा साइन इनवर्स 1/√2, इतना तो आप समझ ही जाओगे बीएससी के स्टूडेंट हो। और यहाँ से t2 की जो वैल्यू आई बेटा वो निकली अंडर द रूट 4a/g और ये हुआ π/4, साइन इनवर्स 45 की वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर होता है कितना 45 के बराबर होता है ना, क्लियर। ये आया मेरे पास इक्वेशन नंबर बी। अब देखो बेटा, इक्वेशन नंबर ए पूरे के ऊपर रूट है ये 4a/g 4a/g π/4 π/4, सो दैट क्या कहोगे आप, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सो दैट हाईएस्ट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ के अंदर जो टाइम है, सेकेंड हाफ के अंदर जो टाइम है, दोनों बराबर होने चाहिए। फर्स्ट हाफ का टाइम मेरे पास निकला हुआ है ये आपके सामने है, सेकेंड हाफ का टाइम मेरे पास ये निकला हुआ है आपके सामने है, दोनों बराबर हैं, सो दैट बोथ टाइम्स क्या होंगे भाई, बोथ टाइम्स आर इक्वल, आंसर। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके बाय।